जी, मैं सभी जो साथी हैं उनसे इस बात से सहमत हूं कि किसी को भी प्रधानमंत्री बनने का डेमोक्रेसी में अधिकार है। और जब इंदु कुमार गुजराल बन सकते हैं बिना किसी जनाधार के, तो ममता बनर्जी या अखिलेश यादव या एमके स्टालिन कोई भी जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। यहाँ तो एक सीट वाले मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बन जाते हैं इस डेमोक्रेसी में। तो यह मन के अंदर कोई भी पाल सकता है, खुशफहमी कह लीजिए, गलतफहमी कह लीजिए, या महत्वाकांक्षा कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। ये कोई भी कर सकता है। तो वो अगर ममता बनर्जी के अंदर ये हिलोरे मार रहा है, या अखिलेश यादव के अंदर हिलोरे मार रहा है, या किसी और के मन में हिलोरे मार रहा है, तो ये मारने मतलब ये हिलोरे मारना कोई गलत चीज नहीं है। वो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो गलत है वो गलत क्या है इसके बावजूद? इसके बावजूद गलत यह है कि अगर कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन सकता है, अगर आपकी महत्वाकांक्षाएं उस विकल्प के खिलाफ जाकर के, और भले ही आपकी मंशा जो है भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने की नहीं है, अगर उसको लाभ पहुंचा रही है, या एक ये माहौल बन रहा है कि उसको लाभ पहुंच सकता है आपकी इन क्रियाकलापों से, तो ये चीज गलत है। जो फिलहाल का परिदृश्य मुझको दिखाई दे रहा है, उसमें चाहे ममता बनर्जी कुछ प्रयास कर रही हो या अखिलेश यादव के वक्तव्य जो है, ये दोनों जो है मुझे कुल मिलाकर के यही साबित करते हुए दिखते हैं कि आपकी मंशा भले ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने की हो, भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता से बाहर करने की हो, लेकिन आपकी इन बातों से अपरो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता हुआ दिख रहा है। और जो एक जनता के अंदर आकांक्षाएं जल रही थी कि 2024 में जो है मोदी जी को बैरंग जो है वापस किया जाएगा गुजरात, उनको जो है थोड़ा सा ग्रहण लगता है वो दिखाई पड़ रहा है। ये मेरा अपना सोचना, हो सकता है मैं अपनी जगह गलत हूं, दूसरे लोग सही हो, ये कुछ भी हो सकता है। अब सवाल ये कि अखिलेश यादव को ममता बनर्जी एकदम से क्यों याद आ गई? तो इसलिए याद आ गई क्योंकि अभी मैंने जैसे कहा कि ममता बनर्जी अभी जो प्रयास कर रही है, उन प्रयासों का सीधा सीधा नतीजा ये निकाला जा रहा है कि शायद ये कांग्रेस को घेरने के लिए है, या वो अपने को प्रोजेक्ट कर रही हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक अच्छी शिकस्त दी भारतीय जनता पार्टी को। तो अखिलेश यादव के मन की भी बात यही हो कि भाई जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हराया भारतीय जनता पार्टी को, हम भी उत्तर प्रदेश में उस तरीके से हराएंगे। तो जो कहने का मतलब सीधा सीधा लक्ष्य है वो तो यही है, लेकिन ये सीधा सीधा लक्ष्य है नहीं असल में। अगर ये सीधा सीधा लक्ष्य ये होता तो इस पर किसी को इम्पैक्ट करने की जरूरत ना होती, और हमको भी इस पर कुछ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लक्ष्य इसके पीछे कुछ और है। ममता बनर्जी 2014 में भी प्रधानमंत्री पद की कैंडिडेट थी, अन्ना हजारे बाकायदा, जो मैंने पहले भी बताया था ना, अन्ना हजारे बाकायदा दिल्ली में आकर के बैठे थे, के जी सिंह साहब हुआ करते थे, उनका शायद बंगला था नॉर्थ एवेन्यू में कोई, वहां दफ्तर बना, मुकुल राय सब संभालते थे, बीपी सिंह के एक नजदीकी किसान नेता थे, वो अन्ना हजारे के भी बहुत नजदीकी थे, वो वहां सब संभाल रहे थे, और एक राजनेता कम पत्रकार है संतोष भारतीय जी, वो सब उसको मैनेज कर रहे थे सब मिलाकर के 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जी जो थे वो पहली बार जो थे वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बने थे। तो ये महत्वाकांक्षा जब मोदी जी की जगह उसी समय की जगह हुई ममता बनर्जी की भी, और अन्ना हजारे ने भी उसमें यही कहा था कि वो तो जो है हवाई चप्पल पहन के और सूती धोती में जो है वो टहलती है, बहुत ईमानदार है, तो उसको भी होना चाहिए। तो ये सब बातें हुई थी। मुझे याद है कि अखिलेश यादव जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वैसे उनके समर्थकों ने एक फेसबुक पर पेज बनाया, और वो उस पर काफी जो थे वो लाइक्स आ गए थे, और ये था कि भाई नेक्स्ट पीएम जो है वो अखिलेश यादव। तो ये भावी था तब से, मतलब जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, जबकि घर के अंदर बहुत झगड़े थे, उसके बाद उनको बनाया गया था। तो अखिलेश यादव के अंदर ये महत्वाकांक्षा नहीं होगी, मैं इससे भी इनकार नहीं करता हूं, क्यों होनी नहीं होनी चाहिए भाई, देश के सबसे बड़े प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, और मान लीजिए 80 सीटें यहां से हैं, और जैसा कि मैंने कल भी कहा कि मान लीजिए 375 या 350 सीटें जीत करके अखिलेश यादव आ जाते हैं, जाहिर सी बात है 80 में से जो है उनका दावा 70 सीटों पे होगा लोकसभा की। तो अगर इसी से तय होगा कि किसकी ज्यादा सीटें आ गई, तब तो अखिलेश यादव का क्लेम बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने कल भी कहा, आज मैं फिर कह रहा हूं कि
बात यह नहीं है कि कौन भारतीय जनता पार्टी को अपने स्टेट में हरा करके आ रहा है, बात यह है कि स्वीकार्यता जो है दूसरे लोगों के बीच में किसकी बनेगी, वो स्वीकार्यता क्या ममता बनर्जी की या अखिलेश यादव की या किसी और की होगी। ऐसे समय में जो भी दावा करे वो किसी के भी सीटें ज्यादा हों, बात वही होगी कि कौन किस तरीके से गोटे फिट करके जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं उनके उनमें अपनी स्वीकार्यता बना पाता है, कौन कांग्रेस का समर्थन दे सकता है। मतलब बिना कांग्रेस की इच्छा के मुझे नहीं लगता कि चाहे वो अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो या स्टालिन हो या कोई भी हो वो कोई प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो इसलिए अगर ये सोच के कोई कर रहा है कि हम कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसी मंशा होगी भी नहीं शायद किसी की। प्रशांत किशोर की हो सकती है क्योंकि प्रशांत किशोर व्यापारी है, प्रशांत किशोर ना भी पॉलिटिशियन है ना वो कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो एक व्यापारी है, अपना व्यापार कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जो लोगों की राजनीतिक इच्छाएं होती हैं उसका भया दोहन एक तरीके से करके वो अपना धंधा चलाते हैं, तो धंधा चला रहे हैं अपना। तो वो ममता बनर्जी के यहाँ भी जाते हैं, नीतीश कुमार के यहाँ भी जाते हैं, अखिलेश यादव के यहाँ भी जाते हैं, तो अमरिंदर सिंह के यहाँ भी जाते हैं, अरविंद केजरीवाल के यहाँ भी जाते हैं, मोदी जी के यहाँ तो है ही वो। और मुझको याद है नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैंने तो उनको उपाध्यक्ष पार्टी का जो अमित शाह के कैंडिडेट बनाया था, तो अमित शाह जी के लिए वो आज भी काम करते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि दिल पे हाथ रख के अमित शाह आज भी कह देंगे कि हम मेरे लिए काम करते हैं, और प्रशांत किशोर भी जो है वो दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि हाँ मैं अमित शाह जी के लिए काम करता हूं, इसमें कोई वो भी नहीं है। तो अगर ये प्रशांत किशोर अगर चला रहे हैं, अगर ये ममता बनर्जी की नहीं है या अखिलेश यादव की नहीं है या किसी और की नहीं है, तो फिर ये कांग्रेस के खिलाफ एक साजिश है अगर ये प्रशांत किशोर चला रहे हैं। और अगर प्रशांत किशोर नहीं चला रहे हैं, लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो हम इसको साजिश नहीं कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि लोग अपना आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं और उसमें कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, तो उनकी बला से उनका तो फायदा हो रहा है। तो ये मुझको लगता है ये उनकी अपनी होगी। लेकिन मैं फिर बात इसी बात पे आता हूं कि अभी 2024 बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश का चुनाव के बाद गुजरात में भी चुनाव होना है, गुजरात में क्या परिणाम आएंगे उसका भी देश की राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी असर पड़ेगा, उसके बाद जाकर के क्या परिस्थितियां बनती हैं, किस तरीके से देश करवट लेता है, उसमें भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो इसलिए आज प्रयास कुछ भी करो, प्रयास करने में किसी को कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास सबको करने चाहिए, अपना एक्सपेंशन भी करना। मैंने पहले भी कहा, कल भी मैंने कहा था, एक्सपेंशन सब करना चाहते हैं। अखिलेश यादव भी पिछली बार मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही थे, बहुत सी सीटों पर लड़े जा करके, और साफ साफ ऐलान करके आया कि कांग्रेस जिसको टिकट नहीं दी हमारे यहाँ सेक्रेटरी ले ले। तो आज अगर अखिलेश यादव यहाँ जो है वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का नाम ले रहे हैं और पिछले दरवाजे से कांग्रेस पे हमला बोल रहे हैं, और जैसे कल हमारे यहाँ किसान नेता डॉक्टर सुनीलम थे, कल थे परसों थे, तो कह रहे थे कि कांग्रेस जो है यहाँ नुकसान पहुंचा रही है सपा को, तो भाई साहब अखिलेश यादव वहां मध्य प्रदेश में क्या करने गए थे, गुजरात में 100 से ज्यादा सीटों पर लड़े थे वहां क्या करने गए थे, राजस्थान में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी वहां क्या करने गई, और उत्तर प्रदेश क्या जो है वो जागीर है अखिलेश यादव की पार्टी की। 1989 से पहले समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या होती थी और कांग्रेस की स्थिति क्या थी, आज समाजवादी पार्टी के पास जो वोट बैंक है वो किस कौन सा वोट बैंक है, ये सब बातें फिर बहुत चर्चा की मतलब हो जाएगी अगर इस पे बहस की जाएगी कि कांग्रेस नुकसान पहुंचा रही है या अखिलेश यादव किसको नुकसान पहुंचा। मुझे लगता है इस पे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बड़े हैं और ये बहस जो है बहुत छोटी है कि कौन किसको नुकसान पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आज पहला लक्ष्य क्या है, पहला लक्ष्य यह है कि किसी भी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी सरकार है वो हटे, वो चाहे अखिलेश यादव हटाएं, चाहे प्रियंका गांधी हटाएं, चाहे मायावती हटाएं, कोई भी हटाए, जनता के खिलाफ जो सरकार खड़ी हो गई है, जो जनता के ऊपर रोज जुल्म कर रही है, वो सरकार किसी तरीके से हटनी चाहिए, पहला लक्ष्य ये है। बाकी झगड़े जो है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या समीकरण होंगे, मुझे लगता है कि सब चीजें बहुत बाद में भी तय हो सकती है। लेकिन विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं, जो बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग राजनीति में नहीं है, तो हम लोग एक विश्लेषक के नाते और एक आम भारतीय होने के नाते अपनी सदिच्छाएं व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम भी राजनीति में होते तो हमारा पहला लक्ष्य ये होता कि हम किस तरीके से पावर में आए और किस तरीके से जो है दूसरे को तंगड़ी मार के अपने पाए पड़ जाए, देश जनता और समस्याएं जो हैं।